इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का यूज हम करते हैं जब आप किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट पर अपनी किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट को या किसी इमेजेस को शेयर करना चाहते हैं, यानी कि जब हम किसी वर्ड को लिख देते हैं और उस पर क्लिक करने पर कोई फाइल, डॉक्यूमेंट या फिर आपका कोई इमेज ओपन हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे ये दोनों ही ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर सिंपल किसी भी स्लाइड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम किसी एक वर्ड को टाइप करते हैं। फिलहाल मैं कंप्यूटर लिखता हूँ। आप देखिए मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर को मैं फिलहाल क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूँ। हाइपर लिंक पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। मैं किसी भी वेबसाइट को भी यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ या फिलहाल मैं किसी वॉलपेपर को इसमें अटैच करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर आप देखेंगे मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप में वॉलपेपर अवेलेबल है। डेस्कटॉप पर क्लिक करके किसी भी एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इनके वर्ड का कलर ब्लू हो चुका है, यानी ध्यान रखिए जिन वर्ड का कलर ब्लू होता है मोस्टली उस पर हाइपरलिंक अवेलेबल होता है। यहाँ पर मैं करता हूँ, आप देखेंगे आप यहाँ पर क्लिक करने पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे करना क्या होगा, मुझे स्लाइड शो करना होगा। स्लाइड शो करने के लिए हम कीबोर्ड से F5 दबाते हैं। F5 दबाने पर आप देखेंगे स्लाइड शो पर आप देखेंगे इस तरह से वर्ड दिख रहे हैं, और मैं माउस के पॉइंटर को ले जाकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आप देखेंगे एक बॉक्स आया है जिसमें मैं क्या करता हूँ, यस करता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करते ही जो भी मैंने इसके वॉल पेपर इस पे अवेलेबल किया था वो आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। यहाँ पर ध्यान रखें कि आप, मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, आप जब स्लाइड शो को क्लिक करेंगे तभी ये वर्क करेगा। नॉर्मल आप स्लाइड पे क्लिक करते रहेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है एक्शन, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर एक्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए मैं कुछ स्लाइड पर अलग अलग थोड़ा सा मैटर लिख देता हूँ, इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 3 स्लाइड ली हुई है। फर्स्ट पे इंटर कंप्यूटर लिखा हुआ है, सेकंड में कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, थर्ड में एजुकेशन लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे इस ऑप्शन का नाम एक्शन है। एक्शन के लिए मैं बता दूं, जब हम सेव्स पे जाते हैं और सेव्स में आप देखते हैं सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एक्शन बटन, यानी कि इनको हम एक्शन बटन बोलते हैं। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एक्शन बटन है। फिलहाल मैं इस पे क्या करता हूँ, इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिटर्न, इस पर क्लिक करता हूँ। जिससे क्या होगा, रिटर्न हम एक ऐसा एक्शन बटन कह सकते हैं जो हमें क्या करता है, पीछे ले जाता है। इसके लिए आप देखेंगे फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड में, सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ, इसके बाद टिप्स में जाता हूँ और एक्शन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। एक्शन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं स्लाइड पर इसको ट्रैक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ड्रैग करते ही एक बॉक्स आ गया है जिसमें लिखा है हाइपरलिंक टू, यानी कि आप इस पर क्या अटैच करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आएगी जिसको हम अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं ऑर्डर देता हूँ एक्शन बटन को, सॉरी यहाँ पर मैं इसको रिटर्न को ऑप्शन देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। देखिए आप फर्स्ट स्लाइड इस तरह से लास्ट स्लाइड, यानी कि जिस स्लाइड पर मैं इस पर क्लिक करने पर पहुंच जाऊं उस स्लाइड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फिलहाल मैं प्रीवियस स्लाइड पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा, स्लाइड शो करना होगा। प्रोसेस वही है जिस तरह से मैं हाइपरलिंक का बताया था। इसको मैं स्लाइड शो करने के लिए कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ। ये देखिए स्लाइड शो हो चुका है, फर्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ। सेकंड स्लाइड पे क्लिक करते ही मैं पहुंच जाऊंगा, ये देखिए सेकंड स्लाइड पे आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जब माउस का पॉइंटर आएगा तो देखिए फिंगर बन चुका है, हाँ एंड आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही मैं फर्स्ट स्लाइड पे वापस पहुंच जाऊंगा, ये देखिए। और वापस अगर सेकंड स्लाइड पे जाना चाहूँ तो मैं फिर से क्लिक कर सकता हूँ, और अगर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ इस बॉक्स के बाहर तो मैं थर्ड स्लाइड पे पहुंच जाऊंगा, ये देखिए। बैक आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, अप डाउन, मैं अप एरो पे क्लिक करूंगा सेकंड पहुंच जाऊंगा, और मैं इस पे क्लिक करते ही फर्स्ट स्लाइड पर वापस पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर दिया था प्रीवियस स्लाइड। इससे बाहर आने के लिए कीबोर्ड से स्किप दबाते हैं तो हम वापस अपनी जगह पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको हाइपरलिंक और एक्शन के ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।